मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने आज स्वराज आश्रम में बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य सहित जिले और महानगर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के संगठन की मजबूती और सरकार की विफलताओं को जन तक पहुँचाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए नेताओं ने अपने सुझाव दिए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के आगमन के बाद प्रदेश संगठन को मासिक बैठक कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी के लिहाज से कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर अब मासिक बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति और इस सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुँचाने के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिससे कि 2022 का मिशन फतेह किया जा सके। जिले लेवल की खास क्या बात है, चुनाव भी नजदीक, मैडम कितना महत्वपूर्ण बैठक होगी ये सब? देखिए, जिला और महानगर भी जिला माना जाता है, जिलों में काउंट होता है महानगर, तो इनकी बैठक है, सबकी संयुक्त बैठक एक साथ ही कर ली और उनको एजेंडा दिया गया, गाइडलाइन बताई गई है, ब्लॉक अध्यक्षों से बात हुई, PCC के मेम्बर से बात हुई और सबको सुना गया, जाना गया और सबको एक टारगेट दिया गया कि अपने बूथ से 10 नए मेंबर जोड़ें, जिसका भरोसा दिलाया उन्होंने और उसकी हम लोगों को सूची दे, और ये भी बताया गया कि ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक महीने के फर्स्ट वीक में 5 तारीख तक कर लें, तो सबने तारीखें भी बताई हैं, उसको देखा जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। एक अच्छी बात यह है कि नए हमारे जो प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी यहाँ पर नए प्रभारी बने हैं, उन्होंने एक नए दिशा निर्देश दिए हैं कि जो एक परंपरा पहले थी, जो बीच में शायद थोड़ा टूट गई थी, मासिक बैठकें चाहे वो ब्लॉक की हों चाहे जिला की हों, उन बैठकों की परंपरा को फिर आगे बढ़ाया जाए। इन बैठकों में हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर कांग्रेस के गठन की चर्चा करें, उस ब्लॉक से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, जनहित की समस्याएँ हैं, विकास की बातें हैं, वो उन पर भी चर्चा हो और उन पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ लड़ाई लड़ी जाए, और 17 अब 22 में जो चुनाव आने जा रहा है उस चुनाव की पूरी तैयारी के लिए इस तरह के संगठन की बैठकें बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।